हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और साथ ही साथ एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे, जिससे करके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या वो समझ लेते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं वो हमेशा dy by dx plus py इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। यानी न्यूमेरिकल में अगर आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कुछ ऐसे फॉर्म में दिखे तो समझ लेना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। और अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए एक इक्वेशन याद रख लेना, जो के होता है वाई ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर। हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं y ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आएगा कि यहां पे if ये क्या है, ये है इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर अगर हमें ढूंढना है तो उसका इक्वेशन है if इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ pdx। ठीक है, तो इससे हम इंटीग्रेशन फैक्टर ढूंढ लेंगे और ये इक्वेशन में रख देंगे, जिससे करके हमें सॉल्यूशन मिल जाए डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब कैसे मिलेगा वो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सॉल्व dy by dx plus y is equals to x। अब इसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ये फॉर्म में होते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं dy by dx plus py is equals to q। दोनों को कंपेयर कराएंगे तो dy by dx है, यहां पे भी dy by dx है। ठीक है, प्लस y वाला टर्म है, यहां पे भी y वाला टर्म है, यानी y की वैल्यू के आगे ये जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। 1 क्या है, p का वैल्यू हो गया, तो हमें यहां पे p इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू q है, q क्या है, यहां पे x है, यानी q का वैल्यू हमें मिल गया x के बराबर। तो हम बोल देंगे कि दिया गया न्यूमेरिकल या डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में है, dy by dx plus py is equals to q के फॉर्म में है, और दोनों को कंपेयर कराने पर p की वैल्यू 1 मिली, q की वैल्यू x मिली। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम ये इक्वेशन से फाइंड करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन में पहले तो इंटीग्रेशन फैक्टर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू e raised to integration of p dx। सो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू कैपिटल f लिख लेना, इज इक्वल्स टू e raised to integration of p का वैल्यू 1 है और dx। सो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू e रेस टू, अब 1 dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x आंसर आ जाएगा, तो हमें इंटीग्रेशन फैक्टर भी मिल चुका है। बस अब क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे ये वाला इक्वेशन यूज करके। y ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ if dx plus c कर देंगे। ठीक है, y of integration factor किसके बराबर है, e raise to x के बराबर, integration of q का value किसके बराबर, x के बराबर, integration factor का value अभी हमने ढूंढा तो रख दो e raise to x, ये पूरे का क्या हो जाएगा dx plus c। so y of ex हम solution find कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, u into v का integration। तो u into v का integration कैसे करते थे अगर याद हो तो, तो सबसे पहले तो ये जो first term है उसको as it is लिख दो, integration कर रहे हैं हम, into दूसरा जो term है उसका integration कर दो। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख ली, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन e रेस टू x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, e रेस टू x हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस साइन लगा दो हमेशा, बाद में क्या करो, ये जो फर्स्ट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। बाद में ये जो टर्म है इसका वापस से इंटीग्रेशन करो, तो e रेस टू x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e रेस टू x, बचा क्या, प्लस c। ठीक है, so y e raise to x is equals to x e raise to x minus e raise to x plus c। हमें solution चाहिए, y का value चाहिए, तो e को divide कर देते हैं, so x e raise to x divide में ये जाएगा e raise to x minus e raise to x divide में ये जाएगा e raise to x plus c divided by e raise to x। ठीक है, so y is equals to e raise to x cancel, x minus e raise to x cancel, बचा क्या, 1 plus
ये जो वैल्यू है हम बोल देंगे सी डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स, कोई एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, कोई एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू ऐसे ही अज्यूम कर लेंगे, तो प्लस सी डैश। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक और देख लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो वापस से आइडेंटिफाई करते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए फॉर्म कौन सा था हमें पता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। अच्छा तो देख लेते हैं, यहां पे dy बाई डी एक्स है, यहां पे भी dy बाई डी एक्स है, प्लस करके y वाली टर्म है, प्लस करके y वाली टर्म है, तो y के अलावा जो भी है 2 tan x वो क्या हो गया हमारा p हो गया। तो यहां पे p की वैल्यू हम लिख लेंगे 2 tan x के बराबर है, ठीक है। अच्छा विच इज इक्वल टू q है, यानी q का वैल्यू किसके बराबर हो गया, q का वैल्यू हो गया sin x के बराबर, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि यहां पे dy by dx plus py is equals to q के फॉर्म में ये है, और दोनों को कंपेयर कराने पर हमें p का वैल्यू मिल गया, ये y है सफिक्स में, तो y तो एज इट इज, उसके साथ जो है वो p है 2 tan x आ गया, और q जो है हमारा वो sin x आ गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ये इक्वेशन का यूज करके, लेकिन वापस से ये इंटीग्रेशन फैक्टर ढूंढ लेते हैं इसका। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है, सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है टू टेन एक्स, सो विच इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन इसका करना है तो टू टो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, ये हो गया टेन एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू टू। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां पर लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ये डीएक्स लिखना भूल गए यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई सेक एक्स, या फिर इसे आप बोल सकते हो एल एन सेक एक्स भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी एक ले लो, नेचुरल लॉग ही है, तो ऊपर वाली हम ले लेते हैं। सो इसका tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया log टू द बेस e sec x, ठीक है। अच्छा फिर क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है log में पावर ऊपर भी ले जा सकते हैं हम, ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं e log टू द बेस e sec स्क्वायर x, ये रूल हमें पता है, ये ऊपर भी दे सकते हैं। अच्छा अब ये e log e क्या हो जाएगा, वन के बराबर, और ये sec square नीचे आ जाएगा, तो ये sec square x आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा था क्या कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है e log to the base e सेवन हो, तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, सेवन के बराबर। अगर मेरे पास e log to the base e फाइव है, तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, फाइव के बराबर। तो यहाँ पे e log to the base e ये वैल्यू है तो नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू है तो नीचे आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिल गया इंटीग्रेशन फैक्टर, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड कर दे, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहां पे फाइंड करते हैं, हाँ तो सॉल्यूशन ये वाला इक्वेशन से मिल जाएगा, वाई ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। y इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर है, सेक्स स्क्वायर x के बराबर है, तो लिख लिया यहाँ पे विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू, ये रहा q का वैल्यू है साइन x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, sec square x है, और साथ में क्या लगा है, साथ में लगा है dx plus c। आगे बढ़ते हैं, so y sec square x is equals to integration of sin x, ये sec square x को हम 1 upon cos square x भी लिख सकते हैं, dx plus c, ठीक है। so y sec square x is equals to integration of ये sin x, नीचे एक cos x दे देते हैं, इंटू वन अपॉन cos x रह जाएगा डी एक्स प्लस सी, ठीक है। y sec square x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin by cos tan tan x वन अपॉन cos sec x डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x कितना होता है, डी एक्स किसके बराबर होता है, sec x के बराबर, ठीक है। अच्छा तो लिख लेते हैं y sec square x is equals to इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर, sec x के बराबर, तो sec x plus c, ठीक है। अब यहां से ऊपर चले जाते हैं, जगह नहीं है तो ये sec square x अब डिवाइड में दे देंगे, तो y is equals to sec x के डिवाइड में क्या आ जाएगा, sec square x plus c के डिवाइड में क्या आ जाएगा,
sec x आ जाएगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू sec x डिवाइडेड बाय sec x 1 अपॉन sec x, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा प्लस ये सीरियस कर देंगे और लिख लेंगे हम यहां पे, कहां पे लिख लेंगे, यहां पे लिख लेंगे कि ये जो c डैश का वैल्यू है वो किसके बराबर है, c डिवाइड बाय sec x, कोई आर्बिटरी कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, ठीक है। sec x से sec x कैंसिल, y इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x कितना होता है, cos x होता है, प्लस c डैश। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आई होप ये टॉपिक के कंसेप्ट शायद क्लियर हो गए होंगे, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।